क्या आपको पता है चाइना डोर चीन में नहीं भारत में बनती है? कैसे होती है इसकी शहर शहर में स्मगलिंग? यह डोर मनुष्य और पक्षियों के लिए जानलेवा बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पोलकोर टीवी। चाइना डोर इस समय पंजाब का एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। चाइना डोर के कारण बहुत सारे बच्चे जख्मी हो चुके हैं। इस डोर पर मुख्यमंत्री और पंजाब के डीजीपी की ओर से सख्त हिदायत देते हुए और इस डोर को पंजाब में पूरी तरह से बैन किया गया है और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की कोर्ट की ओर से सख्त हिदायत देते हुए कि इस डोर की बिक्री करने वाले को 5 साल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। क्या आपको पता है इस डोर को चाइना डोर कहते हैं? पर यह है चाइना में नहीं भारत में ही बनाई जाती है। इस डोर में एक सिंथेटिक प्लास्टिक धागे से बनाई जाती है। इसके ऊपर चावल के आटे की परत डोर पर की जाती है, फिर इसके ऊपर कांच की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, फिर यह दूसरे धागे को आसानी से काट देती है। इसके साथ यह डोर पक्षियों और मनुष्यों के मांस को भी काट देती है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे ही केस देखने को मिले हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों की जान भी जा चुकी है, कई बच्चों के तो चेहरे में कट भी लग गए हैं। पर यह डोर पंजाब में नहीं बनती है, बड़े पद्धर पर यूपी और एमपी में बनाई जाती है और यह डोर पंजाब में डीलरों की मदद से पंजाब के शहर शहर तक इसकी बिक्री की जाती है। चाइना डोर सिर्फ पंजाब को प्रभावित नहीं कर रही है, इसके साथ साथ दिल्ली गुजरात को भी सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। द पोलकोर टीवी की टीम अपने दर्शकों को बताना चाहती है कि चाइना डोर का परहेज करें। देश और दुनिया की ताजी ताजी खबरों को देखने के लिए द पोलकोर टीवी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।